ऊंट को ऐसे ही रेगिस्तान का जहाज नहीं कहा जाता। रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर भी ऊंट बड़े आराम से दौड़ सकता है, चाहे कितने ही कठिन हालात क्यों ना हो। ये कई दिनों तक बिना खाए पिए आराम से सफर कर सकता है। लेकिन रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियां होने के कारण कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि पानी की एक बूंद मिलना मुश्किल हो जाता है और ऊंट पानी की तलाश में भटकते हुए जान दे देते हैं। अगर आप कभी भी ऐसे ही मरे हुए ऊंट के पास से गुजरें तो भूल कर भी उसे छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फट सकता है। इसका कारण ये है कि जब ऊंट मर जाता है तो उसके कूबड़ में मौजूद फैट, जो कि बड़ी मात्रा में होता है, वो पच नहीं पाता और काफ़ी दिनों तक ऐसे ही पड़े रहने से वो फैट मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई ज्वलनशील गैसों में बदलने लगता है। और रेगिस्तान की तेज धूप के कारण ये गैसें ऊंट के शरीर को एक गैस का गुब्बारा बना देती हैं जो किसी टाइम भी फट सकता है। इसलिए आप कभी भी ऐसे ऊंट को छूने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।